सो अरशद शरीफ के बारे में हम बायोग्राफी देखेंगे, कुछ लाइव स्टोरी देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी उनके जाने के बाद जब वो इस दुनिया से चले गए तब उनके बारे में देखा है कि वो क्या हैं, क्या थे और कौन थे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने बहुत नहीं देखा उनको, कभी देखा होगा शक्ल से तो मुझे नहीं पता था क्या था इसके पीछे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मुल्क के नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ आज हम में नहीं रहे, तो आइए आज की वीडियो में हम अरशद शरीफ मरहूम की बायोग्राफी जानेंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। सो लेट्स बिगिन। मुल्क के नामवर सहाफी अरशद शरीफ 22 फरवरी 1973 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने रावलपिंडी के गोल्डन कॉलेज से बीए और कायदे आजम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। वो पढ़ाई के दिनों में ही फ्रीलांस जर्नलिस्ट बन गए और उसके बाद अमली तौर पर सहाफत से वाबस्ता हुए। उन्होंने रॉयटर्स, डॉन न्यूज और आज न्यूज और उसके बाद दुनिया न्यूज के साथ वाबस्ता रहकर बतौर सहाफी और एंकर पर्सन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। दुनिया न्यूज पर उन्होंने अपना प्रोग्राम क्यों शुरू किया। अंग्रेजी अखबारात और टीवी चैनल से सहाफती जिम्मेदारियां निभाने का आगाज करने वाले अरशद शरीफ ने अपने करियर में बे इंतहा मकबूलियत पाई। जबकि सबसे ज्यादा शोहरत अरशद शरीफ को निजी टीवी प्रोग्राम पावर प्ले से मिली, जहां वो बतौर टीवी मेजबान बेहद मकबूल हुए और 2012 में अरशद शरीफ को आगाही अवार्ड और 2019 में सदारती तमगाए बराए हुस्ने कारकर्दगी भी दिया गया। उन्होंने एशियन इन्वेस्टिगेटिव मीडिया अवार्ड और वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाजात हासिल किए। अरशद शरीफ पाकिस्तान के अलावा लंदन, पेरिस और दीगर शहरों से भी रिपोर्टिंग करते रहे। उन्हें इलाकाई मुश्किलात और इंटरनेशनल चैलेंजेस के बारे में पूरी तरह अदराक था और वो हर तरह के हालात में बेहतरीन काम करने का तजर्बा रखते थे। वैसे तो अरशद शरीफ के क्रेडिट पर बेशुमार सनसनीखेज और चौंका देने वाली स्टोरीज थी, लेकिन खास तौर पर जब उन्होंने मोटरवे के एक मंसूबे और साबिक सरबरा एहतसाब ब्यूरो सैफ रहमान के हवाले से स्टोरी की तो उनको खासी शोहरत मिली। इसके अलावा जब उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक और मियां मंशा के निशात ग्रुप के हवाले से स्टोरीज करना शुरू की तो वो तवज्जो का मरकज रहे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में होने वाली मुख्तलिफ इकदाम पर उन्होंने तहकीकाती स्टोरीज की। इसके अलावा सेंट जेम्स होटल लंदन की खरीदारी में निशात ग्रुप के हवाले से उनकी स्टोरी को जबरदस्त मकबूलियत हासिल हुई। अरशद शरीफ किसी एक खास सियासी ग्रुप या सियासी जमात के हामी नहीं थे। उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातों, हुकूमतों, अदारों और शख्सियात के हवाले से शानदार रिपोर्टिंग और तहकीकाती स्टोरी मीडिया के जरिए अवाम तक पहुँचाई। वो पाकिस्तानी मीडिया की तारीख का एक हिस्सा बन चुकी हैं। पाकिस्तान की आला अदालतों ने अहम मुकदमात में अरशद शरीफ के प्रोग्राम्स और तहकीकाती रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया, जो उनकी क्रेडिबिलिटी का सबूत था। अरशद शरीफ बुनियादी तौर पर धीमे लहजे में बात करने के आदी थे और दलील के साथ बात करते। आज से 2 साल पहले 15 अगस्त के रोज जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई तो उस मौके पर अरशद शरीफ वो पहले पाकिस्तानी सहाफी थे जो फील्ड रिपोर्टिंग के लिए अफगानिस्तान गए। अरशद शरीफ का शुमार पाकिस्तान के जहीन, काबिल और कामयाब सहाफियों में होता था। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के दौरान मुतअद्दिद खतरात मोल लिए, लेकिन अपने बहादुर बाप और निडर भाई की तरह उन्होंने भी कभी किसी के सामने हथियार नहीं डाले। अरशद शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान नेवी में कमांडर थे। उन्हें अपनी बहादुरी और शानदार कारकर्दगी की वजह से तमगा इम्तियाज मिला। वो 2011 में हरकत कलब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 थी। वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर अरशद शरीफ के भाई अशरफ शरीफ, जो पाकिस्तान आर्मी में मेजर थे, बनू कैंट से बगैर स्कॉट के रवाना हो गए। रास्ते में उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और वो तालिबान की जानिब से किए गए हमले में शहीद हो गए। मेजर अशरफ शरीफ की उम्र 35 साल थी। मेजर अशरफ शरीफ अपने वालिद के जनाजे को कंधा देने से पहले ही शहीद कर दिए गए। एक घर में 2 जनाजे उठे। मेजर अशरफ शरीफ को पूरे फौजी एजाज के साथ मिलिट्री कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। निजी टीवी पर प्रोग्राम करते वक्त अरशद शरीफ जानदार तज्जियों और मुल्क के हालात हाजरा पर बेलाग तबसरों के बायस शोहरत हासिल करने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि अरशद शरीफ धमकियों से ना डरते थे
और वो हमेशा खुलकर बात करते थे। याद रहे कि रवां साल अप्रैल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद अरशद शरीफ ने यह दावा किया था कि उन्हें वफाकी तहकीकाती अदारे की जानिब से हरासानी का सामना है। खुद साख्ता जिलावतनी के दौरान वो दुबई और लंदन में मुकीम रहे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफी के तौर पर मशहूर थे। इसी दौरान अगस्त 2022 में उन्होंने एक प्रोग्राम में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का एक मुतनाज़िया बयान अपने प्रोग्राम में चलाया, जिसके बाद शहबाज गिल के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया, साथ ही दूसरी तरफ उनके अदारे ARY पर भी पाबंदियों और बंदिश का शिकार हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद अरशद शरीफ के बयानात के रद्द अमल में ARY ने ऐलान किया कि चैनल उनके साथ अपनी 8 साल रफाकत खत्म कर रहा है। आज के रोज अरशद शरीफ के खानदानी जराए से सोशल मीडिया पर यह खबर चली कि कीनिया नैरोबी से कुछ दूर अरशद शरीफ को किसी स्नाइपर ने सर पर गोली मारकर शहीद कर दिया है। उनकी 49 बरस उम्र थी। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीक ने एक ट्वीट में कहा कि आज मैंने अपना दोस्त, शोहर और पसंदीदा सहाफी खो दिया। पुलिस ने बताया है कि अरशद शरीफ को कीनिया में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में अपील की कि हमारी प्राइवेसी का एहतराम करें और ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर बराए मेहरबानी हमारी फैमिली की तस्वीरें, ज़ाती तफसीलात और अरशद शरीफ की अस्पताल में ली जाने वाली आखिरी तस्वीर शेयर ना करें। अरशद शरीफ का शुमार ट्विटर वॉरियर्स में होता था। उनके 2 मिलियन फॉलोअर थे और वो अपनी राय बेबाक अंदाज में लिखते रहे हैं। उन्हें ट्विटर पर चौधरी मुनसलाही, मोईद पीरजादा, इमरान रियाज खान, डॉक्टर शहबाज गिल, साबिर शाकिर, कासिम खान सूरी, आरिया मकबूल जान, हारून रशीद और समी इब्राहिम समेत कई मशहूर सियासी और समाजी और सहाफती शख्सियात ने फॉलो किया हुआ था। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा, अरशद शरीफ के बहिमाना कत्ल पर सदमा हुआ, जिसने सच बोलने की आखिरी कीमत अपनी जान देकर अदा की। उसे मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रूपोश होना पड़ा, लेकिन वो सोशल मीडिया पर ताकतवरों को बेनकाब करते हुए सच बोलता रहा। आज पूरी कौम उनकी वफात पर सोगवार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, मैं सहाफ़ी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत की खबर सुनकर सदमे में हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मरहूम के ख़ानदान से मेरी इजहार ताज़ियत। मशहूर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान लम्हा बा लम्हा तमाम खबरों से अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, मेरी अभी माजी से बात हुई है, मेरा ये बेटा भी शहीद कर दिया, तू जल्दी घर आ जा और अरशद को जल्दी लेकर आओ। इसे खाबर घुमन से कहो मुझे फोन करे, या अल्लाह हमें सबर दे। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया, चलो आओ एक एक ट्वीट करते हैं अरशद पर और फिर चुप हो जाते हैं, सारा कसूर तो अरशद का अपना था, बेजमीरों की बस्ती में जमीर झंझोड़ रहा था। अब हम सब ट्विटर पर शोर मचाएंगे, फिर 4 दिन बाद अरशद की माँ होगी, हो सन्नाटा होगा और अरशद की दीवार पर लगी तस्वीर। आप अरशद शरीफ के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे नहीं पता था कब स्टार्ट किया उन्होंने, 1972-73 से मैं उनका जन्म हुआ था। सो वो 1973 को पैदा हुए पाकिस्तान के कराची में, और तब से उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो स्टोरी मैंने अभी जानी है, अभी सुनी है। और बहुत कुछ किया है उन्होंने, कुछ अवार्ड्स लिए हैं, कुछ ब्रेवरी अवार्ड्स भी हैं उनके पास, क्योंकि वो बिना हिम्मत बिना बहादुरी के वो अवार्ड्स नहीं लिए जा सकते थे। जैसा कि वो बोल रहे थे, तालिबान जब आया था अफ़गानिस्तान में तो वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करना ऑन ग्राउंड, ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा डर होता है, बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है आपको अपनी जान का। वो चीज़ कर चुके हैं, वो ऐसी एक जगह नहीं कई जगह, विदेशों में, इंग्लिश कंट्रीज़ में भी, तो बहुत सारी जगहों पर वो ऐसा कुछ कर चुके हैं। ये अभी मैंने जाना, अभी सुना इसके अंदर। तो बहुत हिम्मत, बहुत ताकत रखते थे अंदर से, अपने जज्बों की ताकत जो होती है ना, एक होती है पावर अपनी बॉडी की, एक होती है जज्बों की ताकत कि मैं ये करूँगा, यहाँ से वहाँ जाऊँगा और वो कर दिखा दूँगा। सो वो चीज़ इनके पास थी। ऐसे शोज़ चलाए हैं जिसके अंदर सिर्फ सच हो। उन्होंने किसी पार्टी को एक तरफा रहकर कभी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने जो उनको लगता था कि सही है, जो कानूनी सही है, जो हकीकत है, जो सच है, उसको सामने रख कर उस पर अपनी रिपोर्टिंग की है, उन्होंने उस पर काम किया। और जो हुआ है उनके साथ,
अनजान अचंभे जैसा अजीब सा कुछ हो गया है कि कोई और समझ रहे थे किसी और को मार दिया, किसी की कोई कीमत नहीं, आप कहीं निकलो सड़क पे से, मैं कहीं निकलूँ घर पे से, वहाँ कुछ हो रहा हो, किसी को ढूंढ रहे हो, आपकी शक्ल थोड़ी सी मैच कर जाए किसी के साथ, वो गोली जो किसी और को लगने वाली हो वो आपके भेजे में आकर लगे, आपके दिल में आके लगे, आपकी बॉडी में आके लगे और आप ख़त्म हो जाओ, उसके बाद चेक किया जाए यार ये तो बंदा वो था ही नहीं, हमने इसको मार दिया, ऐसे होता है क्या? यही है हमारी आपकी लाइफ, सबकी लाइफ ऐसी है क्या कि जब मर जाएंगे तो चेक किया जाएगा कि आप क्रिमिनल थे या नहीं थे? तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो वजह है कि लोग उन्हें आज चाह रहे हैं कि वो चला गया तो उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। बहुत सारे लोग गुस्से में ट्वीट कर रहे हैं कि यार चला गया, चार दिन की रोना धोना होगा, सोशल मीडिया पर ट्वीट होंगे फिर चला जाएगा, और ऐसा होता है, होता आया है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कहते हो, क्या होगा इनके केस के बारे में, क्या होगा कुछ क्या नहीं होगा? मैंने तो बायोग्राफी जानी उनकी, क्या इंसान था, क्या शख्सियत थी, क्या पर्सनैलिटी थी, वो जानने को मिला मुझे अरशद शरीफ के बारे में। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, अपनी जो भी दिल की भावनाएं हैं आपकी वो लिख सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।